के पत्री एक अध्याय उसका 3 पद, जहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यह पौलुस के अधिकांश पत्रों में व्यक्त औपचारिक अभिवादन है, अनुग्रह। अनुग्रह उस युग में अन्य जातियों का अभिवादन था और शांति यहूदियों का धार्मिक अभिवादन था। परमेश्वर पिता से शांति पाने से पूर्व या पहले परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव प्राप्त करना है। जी हाँ, हम आगे देखेंगे गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यह एक और अति उत्तम पद है। मैं इस स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, परंतु मैं इस संबंध में कुछ कहना अवश्य चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। ध्यान दीजिए, हम उसके बलिदान के मूल्य में कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसने तो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, तो आप उसे क्या दे सकते हैं? मेरे मित्रों, क्या आप उसके बलिदान में कुछ जोड़ सकते हैं? जी नहीं, उसने अपने आप को दे दिया, और यह कैसा अद्भुत और महिमापूर्ण काम है। ऐसा पद पढ़कर मैं सन या मुक रह जाता हूँ। उसने अपने आप को दे दिया। जब आप अपने आप को दे देते हैं, तब आप सब कुछ दे देते हैं, अपना सब कुछ। आपके पास जो भी है, जैसे आपकी प्रतिभाएं, आपका समय और आपका सब कुछ, उसने अपने आप को दे दिया। वह इससे अधिक और कुछ नहीं दे सकता था। पौलुस यह घोषणा करने में प्रतिज्ञा नहीं करना चाहता था। इसके पश्चात वह कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यह पौलुस के विषय का मूल है। मेरे प्रियो, पौलुस यीशु को हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है। वह कहता है, वह मेरा उद्धार करता है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है? उसे चरवाहा कहना एक बात है और उसे ग्रहण करना दूसरी बात है। जी हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मेरा उद्धार करता है। क्या आप कह सकते हैं कि वह आपका चरवाहा है? पौलुस यह भी कहता है, वह हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएगा। ध्यान रखें कि प्रभु हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाता है। इसलिए सुसमाचार का वर्तमान महत्व या मूल्य है जो उसके सामर्थ्य और वास्तविकता को सिद्ध करता है। सुसमाचार आपको छुटकारा दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। मुझे कई लोगों से पत्र प्राप्त होते हैं जो मसीह को ग्रहण करके मुक्ति पा चुके हैं, जो नशे से, शराब से, व्यभिचार के पाप से छुटकारा पाए हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल प्रभु यीशु ही को मुक्तिदाता मानते हैं और यीशु ही उन्हें मुक्ति दिलाता है। इससे सुसमाचार की वास्तविकता प्रकट होती है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उसने क्रूस पर आपका और मेरा स्थान ले लिया। वह हमारे लिए मर गया और फिर जी उठा कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मेरे मित्रों, हमने अब तक जो कुछ देखा है, वह इस पद की बहुतायत को समाप्त नहीं करता है। ध्यान रखें कि उसका उद्धार हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार है। वह हमारा उद्धार करता है, व्यवस्था नहीं। हमारा उद्धार व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उद्धार पाने के बाद फिर पाप में ना जिएं, अर्थात ना जाएं। यह कैसी अद्भुत बात है! वह हमें उद्धार दिलाने में सामर्थी है। वह हमें उद्धार दिलाना चाहता है। वह हमारा उद्धार करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप उद्धार पाएं। मेरे प्रियो, इस पद की बहुतायत अभी भी समाप्त नहीं हुई है। मसीह ने अपने आप को दे दिया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा उद्धार करे। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि उद्धार पाने के बाद आप फिर से पाप में न जिएं, जैसा कि आज बहुत सारे लोग जीने का प्रयत्न करते हैं।
वह हमें बचाना चाहता है, यह उसकी इच्छा है और वह हमें बचाएगा भी। मेरे मित्रों, यह पद आपको आनंद से पूर्ण उत्साहित नहीं करती है। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 1:5 में, जहां पर लिखा हुआ है, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस पल या क्षण पौलुस परमेश्वर की स्तुति हेतु रुकता है। मुझे विश्वास है कि हमें परमेश्वर की स्तुति अधिकाधिक करना चाहिए, जितनी हम अभी करते हैं उससे भी अधिक। आइए हम सच्चाई पर आ जाएं। क्या आपने आज सुबह जागने पर परमेश्वर का नाम लिया था? क्या आपने उसे नए दिन के लिए धन्यवाद कहा था? आप कहेंगे पानी बरस रहा था, तो क्या आपने उसे वर्षा के लिए धन्यवाद कहा था? क्या आपने उसके नाम को धन्य कहा कि वह आपको एक नए दिन में ले आया है? एक बार मैं बीमार से लड़ रहा था और मैं ऐसी स्थिति में आ गया जब मुझे उसको यथोचित धन्यवाद देना था। अब मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ वह यह है कि चाहे धूप चमके या पानी बरसे, मैं कहता हूँ इस नए दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। वह कैसा महान है! हमें अधिकाधिक आवश्यकता है कि उसकी स्तुति करें। मेरे मित्र, मैं अपने परमेश्वर और उद्धारक के नाम का महिमान्वयन चाहता हूँ। मैं एक ओर खड़ा होकर यीशु के नाम को छोटा करने वाले आज के गीत गाना नहीं चाहता। मैं इसके विरोध में कह रहा हूँ, क्योंकि वह देहधारी परमेश्वर है। उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं उसके नाम की स्तुति करना चाहता हूँ जिसकी महिमा सदा सदा की है। सदा सदा की अर्थात इस क्षण या पल से आरंभ होकर अनंत काल तक चलती रहे। मेरे प्रियो, पौलुस के अभिवादन का यहाँ पर अंत होता है। इसमें महिमामय सत्य है, परंतु आपको स्वीकार करना होगा कि यह पौलुस का एक रूखा, शांत, अव्यक्तिगत अभिवादन है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं जो इसका विषय का प्रबोधन है। उत्साही प्रबोधन अर्थात भाषण है। पौलुस अब अपने विषय पर आता है। वह रूखेपन से उत्साह की ओर बढ़ता है, और सच तो यह है कि वह भीतर से उत्साहित है। क्यों? क्योंकि वहां सुसमाचार को क्षति पहुंचाने वाले थे। पौलुस सुसमाचार के लिए तो अपने जीवन की आहुति चढ़ा सकता था या दे सकता था। आइए हम आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 1:6 में, जहां पर लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मित्रों, सुसमाचार के दो पहलू हैं और इसे दो अर्थों में उपयोग किया जा सकता है। पहला, सुसमाचार की सच्चाई, और दूसरा है सच्चाई की व्याख्या। सुसमाचार की सच्चाई है प्रभु यीशु की मृत्यु, दफन और सदेह पुनरुत्थान अर्थात जी उठना। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के पहले पत्र 15:3-4 में कहा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये सुसमाचार के ऐतिहासिक सत्य हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और आप इन सत्यों को व्यक्त किए बिना सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। सुसमाचार का दूसरा पहलू है इन सत्यों की व्याख्या। इन सत्यों को केवल विश्वास के द्वारा या साथ ग्रहण किया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। जी हाँ, गलातियों के विश्वासियों को लिखे पौलुस के पत्र में सुसमाचार के सत्यों की व्याख्या है। यहूदी विश्वासी पौलुस के बाद गलातिया में आए थे। उन्होंने सुसमाचार के सत्यों को चुनौती नहीं दी। मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखने वाले, वरन स्वर्गरोहण तक उसे देखने वाले 500 मनुष्य थे। इतने गवाहों के रहते हुए आप सुसमाचार के सत्यों का इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु उनकी झूठी शिक्षा सुसमाचार के तथ्यों की व्याख्या से संबंधित थी। वे अति चतुर और धुर थे। उन्होंने कहा, क्या भाई पौलुस यहाँ आए थे? तब विश्वासी कहते, हाँ,
वह यहाँ आए थे और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और हमने सुसमाचार को ग्रहण भी कर लिया। अब हम मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हम विश्वासियों के समूह में सहभागी हैं। इस पर यहूदी मत के मानने वाले कहते, ओह यह तो बहुत ही अच्छी बात है, भाई पौलुस जहां तक जानते हैं वहां तक बिल्कुल सही है, परंतु वह आगे तक की बातों को नहीं जानते हैं और नहीं बताए हैं जो अधूरे हैं। क्या उन्होंने आपको मूसा की व्यवस्था पालन के बारे में बताया? ओह नहीं बताया, उन्हें यह तो अवश्य ही बताना चाहिए था। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना आवश्यक है, परंतु मूसा की व्यवस्था के पालन न करने से उद्धार नहीं है। यह सबसे पुरानी झूठी शिक्षा मानी जाती है, यह आज भी है। अनुग्रह के सुसमाचार में कुछ न कुछ जोड़ ही दिया जाता है, अर्थात विश्वास करने की अपेक्षा कुछ कर्म करना जोड़ देते हैं। प्रत्येक मत के मानने वालों में उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास के साथ कुछ नहीं करने की जगह पर कुछ करना पड़ता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पंथ और वाद की शिक्षा है कि आपको उद्धार पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है, अर्थात आपको भला करना है ताकि आप उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि पौलुस ने फिलिपी के बंदीगृह अधीक्षक को यह कहा था, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में, शमौन पत्रस ने महासभा से कहा था, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था कि अनुग्रह द्वारा उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करो, परंतु उन्हें मसीह के उस काम पर विश्वास करना था जो उसने उनके लिए कर दिया था, न कि उन्हें उद्धार पाने के लिए कुछ करना था। सुसमाचार कर्मों का निराकरण कर देता है। अब पौलुस गलातिया के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हम आगे पढ़ते हैं गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, बिगाड़ना। बिगाड़ना शब्द यूनानी में एक अत्यधिक प्रभावी शब्द है। डॉक्टर लुका प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 20 पद में इसी शब्द का उपयोग करते हैं, जब वह कहते हैं सूर्य अंधेरा हो जाएगा, और याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद में कहते हैं हंसी शोक में बदल जाए, तो वह भी इसी शब्द का उपयोग करते हैं। अतः पौलुस का कहना है कि यह सुसमाचार को बिगाड़ना है, तो उसके कहने का अभिप्राय है कि उसे उसकी सच्चाई के विपरीत कर दिया है। इसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यह पद ऐसा कठोर है कि अन्य और कुछ ऐसा कठोर नहीं है। पौलुस कहता है कि यदि कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित हो। मेरे मित्रों, यह अत्यधिक कठोर वचन है। यदि एक स्वर्गदूत इसी समय आकर कहे आपका विश्वास ठीक है परंतु आपको उद्धार पाने के लिए कुछ और भी करना है, या जब आप वचन पढ़ते हैं तब स्वर्गदूत यदि कहे मेरे भाई प्रचारक साहब ठीक कहते हैं परंतु आपको कुछ और भी करना है, तब आपको और मुझे उससे कहना है तू चाहे स्वर्ग का स्वर्गदूत
क्यों ना हो, यहां से चला जा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जी हां, हम आज अनेक प्रचारकों को कोई और सुसमाचार प्रचार करते हुए सुनते हैं तो वे स्वर्गदूत की नाई दिखाई देते हैं। शैतान भी तो ज्योति का स्वर्गदूत बन जाता है और उसके कार्य धार्मिकता की सेवा स्वरूप प्रतीत होते हैं। देखिए दूसरा क्रंथियों के पत्र 11 अध्याय उसके 14 और 15 पद में। अब सुनिए पौलुस क्या कहता है। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब ध्यान दीजिए आगे लिखा है गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में, जहां पर हम पढ़ते हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? मेरे प्रियो, पौलुस कठोर शब्दों में कहता है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो, दूसरे शब्दों में दंड का भागी हो। इससे अधिक कठोर शब्द मेरे पास भी नहीं है। सुसमाचार सभी कर्मों का निराकरण करता है। रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि उधार पाने के लिए उन्हें अच्छा बनना है या बनना होगा या करना होगा। एक दिन मुझसे किसी ने कहा, भाई साहब मैं विश्वासी बनना चाहता हूं, मैं और अधिक अच्छा बनने का प्रयास करूंगा, यदि मैं सुधार करने में सफल हुआ तो मैं एक विश्वासी हो जाऊंगा। मैंने उससे कहा, यदि आप अपने में सुधार ले आए तो आप कभी विश्वासी नहीं बन सकते। परमेश्वर केवल अधर्मियों का उद्धार करता है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि वह धर्मियों का नहीं पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। मनुष्य की धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है और अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने से पूर्व व्याख्या हमें अवश्य ही मूक बना दे। मेरे प्रियो, रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हमें उधार पाने के लिए अधिक भला होना है कि हम उद्धार पाए, परंतु यह कि हम इतने बुरे नहीं हैं कि उद्धार पाएं। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अपनी भटकी हुई अवस्था को नहीं पहचानता है, यही मनुष्य की दुर्दशा है। यहूदी विश्वासी या मत सुसमाचार के तथ्यों से इनकार नहीं करते थे कि यीशु मरा और जी उठा, परंतु वे इसे ही पर्याप्त नहीं मानते थे। उनके अनुसार आपको मसीह में विश्वास तो करना है, परंतु व्यवस्था का पालन भी आवश्यक है। पौलुस कहता है कि जो कोई व्यवस्था और अनुग्रह को जोड़ेगा वह दंड का भागी होगा। क्यों? क्योंकि वे सुसमाचार को दूषित करते हैं। वे सुसमाचार के सत्यों का इनकार तो नहीं करते, परंतु उन तथ्यों की गलत व्याख्या करते हैं और वे सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आज हम में से कई लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। वे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और साथ साथ अपने उन परंपराओं को भी लेकर के चलते हैं जो उचित नहीं है। वे सोचते हैं कि विश्वास सुसमाचार पर करो और कार्य अलग रीति से करो तो हम परमेश्वर की निकटता में धर्मी ठहरेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसने हमारे लिए उन सारे कार्यों को कर दिया जिसकी हमें कोई भी आवश्यकता अब नहीं है कि हम कुछ करें। सिर्फ और सिर्फ उसके सुसमाचार पर विश्वास करना है कि वह हमारे पापों के लिए मरा, गड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जी हाँ, वह आपके और मेरे पापों के लिए मर गया।
लेकिन क्या आप इस बात को आज जानते हैं कि वह आपके लिए मरा? यदि नहीं तो आज उसके पास आइए, अपने जीवन को जांचिए कि एक निर्दोष व्यक्ति क्रूस पर आपके लिए मरा है क्योंकि आपने पाप किया है। मेरे प्रिय, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी ऐसी मुसीबत में हैं कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह कहता है कि उद्धार सिर्फ उसी के द्वारा है।